Everyone knows about OxyLife Bleach. OxyLife Salon Professional Natural Radiance Cream Bleach के बारे में सभी को पता है. हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रमुना ओनील एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज का जो वीडियो है आप थंबनेल के देखकर ही पता लगा लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है. सो OxyLife Bleach के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ एंड करके भी दिखाने वाली हूँ कि ब्लीच किस तरह करना है और कैसे करना है. सो आप सब देख सकते हो मेरे पास OxyLife का एक बड़ा सा बॉक्स है. आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि डायरेक्शन फॉर यूज़ दिया गया है. यहाँ पीछे में 1, 2, 3, 4 स्टेप्स दिए गए हैं बहुत सारे. एंड इस पे आपको क्या क्या मिलता है पैक के अंदर में, डब्बे के अंदर क्रीम ब्लीच है, पाउडर एक्टिवेटर है, प्री ब्लीच क्रीम मिलता है, पोस्ट ब्लीच क्रीम मिलता है. एंड इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़. एंड इसका सेल्फ लाइफ आप देख सकते हो 7/22 से लेके 4/24 तक है. मतलब इसका सेल्फ लाइफ 2 साल का होता है. आराम से 2 साल आप इस डब्बे को चला सकते हो. ऐसा नहीं कि 2 साल चला सकते हो, ये आराम से आपका 4 to 5 months चल जाएगा और आप अगर अपने लिए ले रहे हैं. सो चलिए देखते हैं पैक के अंदर क्या क्या है. तो सबसे पहला चीज़ आपको ऊपर में दिख ही रहा है, एक छोटा सा स्पून दिख रहा होगा आपको, है ना. इससे आपको क्रीम ब्लीच को निकालने के लिए बहुत हेल्प होगा, इसी से आप निकाल सकते हो. एंड उसके बाद में आपको दिख रहा होगा छोटू सा ट्रे. ये ट्रे क्यों दिया गया है, इससे आप अपना क्रीम ब्लीच को एंड एक्टिवेटर को इस पे मिक्स कर सकते हो. एंड हियर इज़ द क्रीम ब्लीच. बहुत ही बड़ा पैक है, आराम से आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो. 4 to 5 months, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फेस पे यूज़ कर सकते हो, इसको हाथ पे, पैर पे, आप फुल बॉडी पे इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा ये एक क्रीम ब्लीच है. एंड दिस इज़ द एक्टिवेटर, बहुत ही अच्छा है ये भी. इसको आपको मिक्स करना होता है क्रीम ब्लीच में. एंड हेयर इज़ 2 ट्यूब आपको दिखता होगा यहाँ पर, एक है प्री ब्लीच क्रीम एंड दूसरा है पोस्ट ब्लीच क्रीम. दोनों को आपको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है. तो ब्लीच हम करते क्यों, एक्चुअली ब्लीच जो है वो हम अपने सन टैनिंग को दूर कर सकते हैं एंड अपने फेस को अच्छे से स्पॉलिएट कर सकते हैं. आपकी फेस की पिगमेंटेशन को भी ये दूर करता है काफ़ी हद तक एंड अच्छे से आपकी फेस को ये क्लीन कर देता है बिल्कुल अच्छे से. आप नॉर्मल क्लिनजिंग से ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करता है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक छोटू सा ये भी मिला है, आपको कैसे इसको यूज़ करना है उसमें सारे लैंग्वेज में दिए गए हैं. तो और यहाँ पर एक छोटा सा स्पैचुला है जिससे आप क्रीम को अप्लाई भी कर सकते हो. सो मैंने पहले अपना फेस वॉश कर लिया है पहले से ही, तो आप देख सकते हो. एंड मैं पहले लगाऊंगी यहाँ पर प्री ब्लीच क्रीम. आपको दिखाया था मैंने 2 ट्यूब, एक था प्री ब्लीच क्रीम, एक था पोस्ट ब्लीच क्रीम. तो प्री ब्लीच क्रीम को पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. आपको उसी जगह पर आपको इस क्रीम को अप्लाई करना है जहाँ पर आपको ब्लीच लगाना है, ठीक है. जहाँ पर ब्लीच करना है उसी एरिया पर ही आपको इसको यूज़ करना है. पार्लर में ना ये प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच क्रीम ना यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है. नॉर्मल क्लिनजिंग कर देते हैं एंड ब्लीच एक्टिवेटर में मिक्स करके लगा देके उसके बाद में क्लीन कर देते हैं, ये लगाते ही नहीं है वो. एंड इसकी स्मेल ना बिल्कुल कच्ची हल्दी की तरह है और बहुत ही अच्छा है ये. इसको ज़रूर यूज़ करके, बहुत लोग इसको यूज़ नहीं करते, बस इसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्रीम ब्लीच, देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल नई है, मैं इसे नया ही निकाला है. बहुत दिनों से मैंने इसको ख़रीद के रखा था, मैंने इसको अमेज़ोन से ख़रीदा था. मैं लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेस लिंक्स. तो मैं छोटू वाले चम्मच से ही थोड़ा सा ले रही हूँ, 1 चम्मच. मैं सिर्फ फेस में ही लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा नेक में. अगर आप पूरा नेक में लगाना चाहते हो तो बड़े वाले चम्मच से पूरा भर के 1 चम्मच निकालना, उतना इनफ हो जाएगा. मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाने के लिए लगा रही हूँ बस, ठीक है. एंड एक्टिवेटर को थोड़ा सा ध्यान से खोलेगा, ये पूरा धुआं जैसा उठने लगता है, उड़ने लगता है एक्चुअली. धीरे से आराम से खुलेगा. इसका मिक्सिंग रेशियो है 7:1. जितना आप क्रीम ले रहे हैं उसका सिर्फ 1/4, मतलब कैसे बोलूँ, अगर आप 7 ग्राम ले रहे हो ना तो 1 ही ग्राम आपको एक्टिवेटर डालना है, ठीक है. एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा मत ले लेना ये, वरना आपकी जो फेस का हेयर का कलर होता है ना उसको वो काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कर देगा. कम लोगे तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है आपको, और ज़्यादा ले लोगे तो आपका स्किन भी जल सकता है इससे. तो पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना, मतलब
ठीक है, थोड़ा सा ईयर के पीछे लगा के देखना, अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, कोई जलन नहीं हो रही है, तब आप इसको यूज़ करना और अच्छे से अप्लाई करना। आपको ध्यान रखना है आपकी आईज़ पे नहीं लगनी चाहिए, आईब्रोज़ पे नहीं लगना चाहिए, वरना आपके बालों को ये पूरा ब्लॉन्ड कर देता है। और मैं बहुत पतली लेयर लगा रही हूँ, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगा रही हूँ। आप अच्छा खासा मोटा लेयर लेकर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा ना आँखों में हल्का सा जलन होता है, इससे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से लगाना है एकदम ध्यान से, ताकि आपके बालों पे ना लगे ये। आप देख सकते हो मैं किस तरह से लगा रही हूँ। ठीक है, तो ब्लीच आपको कितने कितने दिन में करनी चाहिए? मुझे लगता है आपको ब्लीच हमेशा कम से कम नहीं भी तो 21 दिन 21 डेज का गैप रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको ब्लीच करना चाहिए। ठीक है, ब्लीच करने के आप नेक्स्ट डे में फेशियल भी करा सकते हो या फिर सेम डे में फेशियल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ब्लीच करने के बाद फेशियल करते हैं आप, तो आपकी फेस की ग्लो जो है ना वो डबल हो जाएगी सच्ची। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरह से अप्लाई कर लिया, मैंने ब्रश से अप्लाई कर लिया है। अगर आप चाहो तो उसमें जो स्पैचुला दिया गया था उससे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही 10 मिनट तक। ठीक है, आप 5 मिनट के बाद भी इसको मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 10 मिनट तक वेट किया, उसके बाद उसी सेम ब्रश से मैं दोबारा से ब्लीच को ना मिक्स कर रही हूँ, मतलब उलट पुलट कर रही हूँ। आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, फिंगर से करने से और भी अच्छे तरीके से होती है ये। मैं ब्रश से ही कर रही हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट बाद में ना ये फूल जाती है ब्लीच। उसको हाथ से या फिर ब्रश से उसको थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से आपको फिर से 10 मिनट्स तक रखना है, मतलब टोटल 20 मिनट्स तक ही आपको ब्लीच को रखना है। उससे ज़्यादा भूल कर भी उससे ज़्यादा ना रखें, वरना ये आपकी स्किन को बहुत बुरी तरह जला देगा, आपको रैशेस हो जाएंगी और रेडनेस आपकी फेस में आ जाती है। टोटल 20 मिनट्स के बाद में मैंने वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर से भी जग के अपने फेस को धो सकते हैं, रिंस ऑफ कर सकते हैं, मैंने वाइप्स का यूज़ किया है। आपको नॉर्मल वाटर से ही मुंह को धोना है, ठीक है, ना ही ठंडा पानी यूज़ करना है, ना ही गर्म पानी, कोई वार्म वाटर नहीं लेना, कुछ नहीं, नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है इससे, आपकी फेस पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है ब्लीच करने के बाद में। आपको मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ, एंड छोटा सा दाग आपको दिखता होगा मेरे गाल में, वो मेरी ही गलती है, मैंने छोटे से पिंपल को उसको नोच नोच के ही ऐसा कर दिया। आप नेल्स मत लगाना अपनी पिंपल्स पे, ये तो ऐसा बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोस्ट ब्लीच क्रीम, जो उसके साथ दिया गया था, मैंने पहले ही दिखाया था वीडियो पे, एक प्री ब्लीच एक पोस्ट ब्लीच, अभी मैं पोस्ट वाला लगा रही हूँ। ठीक है, पोस्ट ब्लीच क्रीम को लगा रही हूँ, उसी एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपने ब्लीच किया था। और ये भी इतना अच्छा है, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आया था। आप सबको इस वीडियो का मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपका वीडियो आज का, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, एंड अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोबारा मैं नेक्स्ट आऊँगी आप सबको आप सबके लिए कोई अच्छा सा वीडियो लेकर के। मैं गणेश चतुर्थी का मेकअप ट्यूटोरियल जल्दी ही पोस्ट करूँगी, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करिए गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ आजकल, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल पे छोटा बेल आइकन होगा उसे हिट करिए, एंड तब तक के लिए टाटा बाय।